नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल पे कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो रखी है और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करना है इस वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये होगा कि कुछ फ़ोन में वो वर्क करेगा, लेकिन जो दूसरा तरीका होने वाला है वो सारे फ़ोन में वर्क करने वाला है। मतलब कि आपको कोई भी मोबाइल हो सब फ़ोन में वो वर्क करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले फर्स्ट तरीका कौन सा है। वो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ऊपर एक सर्च आइकन देखने को मिल जाता है जो कि आप देख ही सकते हैं। इस सर्च आइकन पर आपको क्लिक करना होता है, तो हम जैसे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉल। जैसे आप कॉल लिखोगे उसके बाद नीचे यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आएंगी, तो यहाँ पे एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग आएगी जिसको आपको ढूंढ लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग की कोई भी सेटिंग नहीं मिल रही है। अगर आपके मोबाइल में मिल जाती है तो ठीक है, यहीं से आपकी सेटिंग हो जाएगी। अगर नहीं मिलती, जैसे कि मेरे मोबाइल में नहीं मिल रही है, तो आपको दूसरा तरीका यूज़ करना होगा जो कि सभी फ़ोन में वर्क करेगा। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ से मिल जाती है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर ऑफ का बटन आ जाएगा, ऑफ कर सकते हैं। नहीं मिलती है तो दूसरा तरीका आपको बताया था। तो आपको करना क्या है, सिंपली आना है होम स्क्रीन में। जैसे हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, अब आपको जाना है आपके मोबाइल के डायलर में। तो हम डायलर में जैसे ही आप जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम डायलर में आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको एक कोड डायल करना होगा, ##21#। जैसे आप ये डायल कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ से इसको डायल कर देना है अपने मोबाइल से। जैसे आप डायल कर दोगे उसके बाद आपके मोबाइल पे आ जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग इज डीएक्टिवेटेड, यानी कॉल फॉरवर्डिंग डायरेक्टली आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं किस नंबर पर आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही थी, तो आपको करने के पहले हैश को हटाना है और यहाँ पर स्टार लगा देना है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपकी कॉल कौन से नंबर पर फॉरवर्ड हो रही थी। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसको कि आप फॉलो करके अपनी कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी, लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब।